तो चलिए अगला फंक्शन देखते हैं, और अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट GIF, ठीक। ये वो GIF नहीं है जिसे क्लिक करने से वीडियो चल जाती है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है भाई। मैंने इसे एक दूसरा नाम दिया हुआ है, मेरी 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 नज़र में, मेरी भाषा में इसका एक दूसरा नाम है, पीछे कौन, नाम है मैंने दिया हुआ, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का निक नेम मैंने दे रखा है, और उसका निक नेम है पीछे कौन। खैर, अब इस फंक्शन में सबसे पहले दिखता कैसा है, फिर वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना एक आर्ट है और वो आपको आना चाहिए, ठीक। तो जरा सुनिएगा, f(x) इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। फंक्शन कह रहा है कि मेरे अंदर जो भी आएगा, फंक्शन कह रहा है मेरे अंदर जो भी आएगा, कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो जो आएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाएगा, ठीक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कह रहा है, ये जानने वाली बात है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है, सुनिएगा कान खोल के, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि मेरे अंदर जो भी आएगा, देखिए पहले आप समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है पीछे कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है पीछे कौन, पीछे कौन यानी पीछे इंटीजर कौन, पीछे इंटीजर कौन, ठीक है। तो मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया 2.2 का, सुनिएगा ध्यान से, 1.2 का, 1 का, -1.2 का, -3 का, -3.5 का, ठीक भाई। फंक्शन कह रहा है जो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर दूंगा, 2.2 आया तो उसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इसका सब सबका GIF हो जाएगा, सबका GIF हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, GIF क्या कह रहा है, GIF कहता है पीछे इंटीजर कौन, पीछे इंटीजर कौन, ठीक। तो 2.2 के पीछे इंटीजर कौन है ये हमें देखना है, 1.2 के पीछे इंटीजर कौन है, जो होगा वो एज एन आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन, ठीक, आसान पड़ जाएगा हमारा काम। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक, नंबर लाइन बना ली। तो 2.2 आया, और 2.2 का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है जो आया है उसके पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन। तो 2.2 के पीछे ग्रेटेस्ट, 2.2 के सबसे पीछे, 2.2 के जस्ट पीछे इंटीजर कौन, 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 2। तो क्या आ जाएगा 2.2 का GIF, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1.2 के पीछे कौन, 1 के पीछे कौन, अरे 1 खुद में इंटीजर है, 1 खुद में इंटीजर है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1 इटसेल्फ इज एन इंटीजर। अच्छा, -1.2 के पीछे कौन, पीछे, पीछे देखो 1.2 के पीछे 1 था, 2.5 के पीछे 2 है, 3 के पीछे 3 है, 3.5 के पीछे 3 है, 4.5 के पीछे 4 है, पीछे, पीछे, लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट हमें देखना है, ठीक। तो -1.2 के पीछे कौन है, -1 नहीं है, -1.2 के पीछे कौन है, -2। -3 के पीछे कौन है, -3 इटसेल्फ, -3.5 के पीछे कौन है, -4। तो अगर आप अपनी नंबर लाइन बनाते हैं तो कहीं ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा, कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं फिर से बताता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि पीछे इंटीजर कौन। तो 1.2 के पीछे इंटीजर कौन है, 1, 2.2 के पीछे कौन है, 2, 3.3 के पीछे 3, 4.5 के पीछे 4, -4.5 के पीछे, -4.5 के पीछे -5, -1.5 के पीछे, -1.5 के पीछे -2, -2 के पीछे -2 itself। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। खैर, तो अच्छा मान लीजिए इनपुट में 1.2 आया, एक्स आया 1.2, तो आउटपुट में क्या जाएगा, 1। क्यों जाएगा, अरे 1.2 इनपुट में आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 1, 1.3 का 1, 1.4 का 1, 1 का 1, 1.9 का 1, 1.99999 का 1, ठीक। लेकिन 2 का 2, 2.1 का 2, 2.99 का 2, ठीक। सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। -0.1 के पीछे कौन है, -1 है ना, -0.2 के पीछे कौन है, -1। अब नंबर लाइन बना के देख लीजिएगा ना,
माइनस 0.5 के पीछे कौन है? माइनस वन, और माइनस वन खुद के पीछे कौन है? माइनस वन। ठीक, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। थोड़े ध्यान से देखिएगा, वन टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। चलिए ध्यान से देखिएगा ना, चलिए जीरो 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 पे कौन है? जीरो। जीरो के पीछे इंटीजर कौन? जीरो। 0.1, 0.1 के पीछे भी कौन है? जीरो। 0.1 के पीछे कौन है? जीरो। तो जब आपने डाला 0.1 तो आया आंसर में क्या? जीरो। 0.1, 0 कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा, x एक्सिस पे मिलेगा। y जीरो तो x एक्सिस पे मिलेगा। 0.2, 0 यही मिलेगा, डार्क कर रहा हूँ मैं। 0.3, 0.5, 0.99999 सब पे क्या मिलेगा? जीरो। तो इसे थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, थोड़ा सा इसे डार्क कर दीजिए, सब इन सब पे जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन वन 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 के पीछे कौन है? वन। तो वन पे क्या आएगा? वन पे आएगा, वन आएगा, वन पे वन आएगा। यहाँ पर आप ऐसे दिखाइएगा, ऐसे दिखाइएगा, ठीक, कि वन पर जीरो नहीं आएगा। 0.9 पे जीरो आएगा, 0.8 पे जीरो आएगा, 0.5 पे जीरो आएगा, 0.1 पे जीरो आएगा, जीरो पे भी जीरो आएगा। इन सब वैल्यूज ऑफ एक्स पे जीरो आएगा, ठीक। एक्स एक्सिस पे पड़ी है तो वाई तो जीरो ही आएगा, लेकिन वन पे जीरो नहीं आएगा। वन पे कौन आएगा? वन, क्योंकि वन के पीछे कौन है? वन। अच्छा, वन से आगे बढ़े 1.1 पे कौन आएगा? वन। 1.2 पे कौन आएगा? वन। 1.3 पे कौन आएगा? वन। 1.5 पे कौन आएगा? वन। 1.9999 सब पे क्या आएगा? वन आएगा, सब पे वन आएगा, इन सब पे वन आएगा। लेकिन टू पे क्या आएगा? टू पे क्या आएगा? टू आएगा, टू पे टू आएगा, टू पे टू आएगा, टू पे वन नहीं आएगा। टू के सामने यहाँ होलो है और यहाँ पर डार्क है, इसका मतलब टू पे वन नहीं आएगा, टू पे टू आएगा, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टू पे टू आएगा, 2.1 पे भी क्या आएगा? टू आएगा। 2.9999 सब तक क्या आएगा? टू आएगा, यहाँ तक टू आएगा। लेकिन थ्री पे टू नहीं आएगा, थ्री पे कौन आएगा? थ्री आएगा। और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक। पीछे आते, पीछे ग्राफ और खूबसूरत है, कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। यहाँ तक हम आ गए थे कि जीरो पे जीरो आएगा, ठीक। देखिए जीरो से थोड़ा सा पीछे हटिए तो ये है माइनस का 0.1, और माइनस का 0.1 के पीछे कौन है? माइनस वन। तो माइनस 0.1 एक्स की वैल्यू डालने पर वाई कितना आएगा? माइनस वन, माइनस वन आएगा। माइनस 0.5 पे कितना आएगा? माइनस वन आएगा। माइनस वन पे भी कौन आएगा? माइनस वन आएगा। तो इन सब पे क्या आएगा? माइनस वन पे भी माइनस वन आएगा, सब पे माइनस वन आएगा। लेकिन जीरो पे कौन आएगा? जीरो। जीरो पे माइनस वन नहीं आएगा, जीरो पे माइनस वन नहीं आएगा। सुनो दोबारा, सुनो सुनो, जीरो पे जीरो आएगा, जीरो पे माइनस वन नहीं आएगा, ठीक है। 0.5 पे माइनस वन आएगा, माइनस वन पे भी माइनस वन आएगा, ठीक है। लेकिन जीरो पे जीरो आएगा, जीरो पे माइनस वन नहीं आएगा, ठीक। माइनस वन पे कौन आएगा? माइनस वन। माइनस वन से पीछे हटो, माइनस 1.1 पे कौन आ जाएगा? एकदम से माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। माइनस 1.5 पे भी कौन आएगा? माइनस टू आएगा। माइनस टू पे भी कौन आएगा? माइनस टू। इन सब पे माइनस टू आएगा, लेकिन माइनस वन पे माइनस वन आएगा, माइनस टू नहीं आएगा। बात समझ आती है? थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, माइनस टू पे कौन आएगा? माइनस टू। लेकिन माइनस टू से थोड़ा सा इधर माइनस 2.1 पे कौन आ जाएगा? माइनस थ्री। इन सब पे माइनस थ्री आएगा, और माइनस थ्री पे माइनस थ्री आएगा, लेकिन माइनस टू पे माइनस टू आएगा, माइनस थ्री नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, देखिए स्टेयर केस भी बोलते हैं, इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, 1-1 है या नहीं है, और 1-2 है या नहीं। देखिए 1-1 तो ये नहीं है, 1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे 1, ये 1-1 नहीं, मैनी 1 है, दिख रहा है 1, 1.2, 1.3, 1.4, ऑल नंबर्स हैविंग सेम इमेज, दैट इज 1, ठीक। अगर आपको थोड़ी सी भी तमीज़ है ना, थोड़ी सी भी अगर आपको तमीज़ है तो आप ये समझ लिए, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 2 तक,
जितने भी नंबर हैं ना इसके अंदर, वन या वन से बड़े, टू से छोटे, जितने भी नंबर हैं, अगर ये सब फंक्शन के अंदर गए, ये सब फंक्शन के अंदर गए, और फंक्शन कह रहा है जो आएगा ग्रेटेस्ट कर दूंगा, तो इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, क्योंकि इन सब नंबर्स के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन है? वन है, वो वन है, ठीक। तो इतनों के पीछे वन है, तो ये वन वन नहीं, मैं नहीं बना। चलिए बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कह रहा है कि मेरे पीछे इंटीजर कौन, मेरे पीछे इंटीजर कौन। तो आउटपुट में तो हमेशा इंटीजर मिल रहा है। अब देखो ना, इन सभी नंबर्स के लिए क्या मिला? जीरो। इन सभी नंबर्स के लिए क्या मिला? वन। अब देखो ना, वाई एक्सिस को ध्यान से देखो, देखो ये खाली पड़ी हुई है, जीरो और वन, माइनस वन सॉरी, के बीच में वाई एक्सिस खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो वाई की वैल्यू जीरो ही तो आई, y की वैल्यू माइनस वन ही तो आई, माइनस टू ही तो आई, माइनस, तो आउटपुट में तो सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे ना। तो नंबर्स अदर देन इंटीजर्स डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस। रियल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स, इंटीजर्स को छोड़ दूं तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज होने वाली नहीं है, हेंस ये ऑन टू नहीं है, वन वन नहीं है, ऑन टू।